आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर जिले में जबलपुर नगर बैन समाज के द्वारा आज पुलिस अधीक्षक के नाम सीएसपी गोलपुर अखिलेश्वर गौर को एक ज्ञापन सौंपा गया। नगर बैन समाज के चरण लाल बैन एवं रवि बैन ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों से जबलपुर शहर में बैन समाज के लोगों के साथ अन्य लोगों के द्वारा गुंडागर्दी करते हुए अत्याचार किया जा रहा है। वहीं रवि बैन ने बताया कि साथ ही शहर में बैंड बाजों की दुकान चलाने वाले बैंड बाजों वालों को भी कुछ असामाजिक तत्व गुंडों के द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट की जा रही है, जिसकी शिकायत थाने में दी जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। उसी बात को लेकर आज एसपी के नाम सीएसपी को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा नगर बैंड समाज आगामी दिनों में आंदोलन के साथ उग्र प्रदर्शन भी करेगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। जी सर, आज यहाँ हम सभी बैंड समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। विगत दिनों ये घटना हुई, गंभीर घटना चाकूबाजी की, उस विषय पर जो है एसपी साहब को जो है सीएसपी साहब को ज्ञापन दिया गया ज्ञापन, और उसी संबंध में क्योंकि उनके जो घटना के बाद जो धाराएं लगी हैं उसमें वो पर्याप्त नहीं थी, उनकी एससी एसटी की धारा लगवाना और जो चैन जो चोरी गई उसमें जो पार्टी नहीं लगी थी उस संबंध में ज्ञापन दिया गया है और इनकी सुरक्षा की 130 बैंड अचानक से यहाँ पर मतलब जबलपुर में है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये कार्यक्रम किया इकट्ठे होकर के हम लोगों को। आपका नाम? चरण लाल, नगर अध्यक्ष बैन समाज जबलपुर। जी भैया, आज जबलपुर नगर बैन समाज के तत्वधान में सीएसपी महोदय जी को ज्ञापन दिया लकड़गंज बेलवा थाने के अंतर्गत में कि समाज के ऊपर असामाजिक तत्वों द्वारा जो हो रहे अत्याचार के खिलाफ में कि जो बैंड वादक जो है उनकी दुकानों के सामने कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जहां गाड़ी घोड़े खड़े करके जो गाली गलौज की जाती है उसी में मनीष माओ जी के छोटे पुत्र को ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें उसको चाकू से वार किए गए कई बार, उसकी चैन छीनी गई और जाति सूतक शब्दों का इस्तेमाल करके उसको अपमानित करने का काम किया गया। आज हमारी माननीय एसपी महोदय जी से सीएसपी महोदय जी से ये मांग की गई है कि इनके ऊपर जो धारा लगाई गई है वो धारा सही तरीके से नहीं लगी है, इसकी उचित जांच कर उस पर सही साठ धारा लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रवि कुमार बैन, न्याय समिति अध्यक्ष। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।